नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज हम बात करने वाले हैं तृतीय श्रेणी शिक्षक के तबादले को लेकर जो अपडेट है उसके बारे में। दोस्तों, अपडेट पर जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की जो अपडेट है उसके बारे में। दोस्तों, आपका दैनिक भास्कर की अपडेट है, इसमें क्या बताया गया कि जिंदगी अटकी हुई है, तबादला तो नहीं हुआ, तलाक हो गया है। दोस्तों, तबादले के चक्कर में जब दो लोग एक दूसरे से इतना दूर रहते हैं कि दोस्तों उनकी जो नौमत है वह तलाक तक आ गई है। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि शिक्षकों के तबादले इस इलाके में बड़ा मुद्दा है। जयपुर के लोकेश मीणा ने बताया कि ऐसे कोई 2000 शिक्षक हैं जो बाड़मेर से अपने जिलों में जाना चाहते हैं। सरकार ने 2018 में तबादलों से बैन हटाया था, तब भी 2008 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के तबादले किए गए थे, लेकिन सबकी हसरत कहाँ पूरी होती है। लोकेश का दावा है कि तबादले के इंतजार में बैठे बहुत से शिक्षक डिप्रेशन के शिकार हैं। यह सिर्फ बाड़मेर का मामला नहीं, डार्क जोन के 10 जिलों में 20,000 से ज़्यादा ऐसे शिक्षक हैं जो बरसों से तबादले के इंतजार में हैं। इन सब के इतर मूल जो आपके केरल के हैं, पिछले 35 साल से बाड़मेर में रह रहे हैं। दीपक नायर ने अलग ही बात बताई, बोले मैं ऐसे कम से कम 50 लोगों को जानता हूँ जो पत्नी की नौकरी के सिलसिले में हाउस हस्बैंड बनकर इस क्षेत्र में रह रहे हैं। वे अपने आप को एडजस्ट कर चुके हैं, बहुत से तो अब यहाँ से लौटना भी नहीं चाहते हैं। रिटायर हो चुके गोवर्धन लाल कहते हैं कि अब बाड़मेर जिला नहीं रहा जो अभाव के लिए जाना जाता है। अब इतने रोजगार आ चुके हैं कि वे हाउस हस्बैंड यहाँ भी काम कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो शिक्षक है दोस्तों, जो कि तबादले को लेकर बहुत टाइम से, बहुत दोस्तों माने कि बहुत बरसों से परेशान चल रहे हैं। इनकी जो मांग है दोस्तों तबादले को लेकर के, इसके लिए जो है दोस्तों आप देख सकते हैं, रोज डेली हम देखते हैं ट्विटर में बहुत सारे ट्वीट किए जाते हैं तबादले को लेकर के। हमारी जो मुहिम 17 तारीख की है उस पर दोस्तों ध्यान दीजिए और उसको आगे बढ़ाइए ताकि जो आप लोग की जो मांग है उसको पूरी की जा सके। बहुत लंबा जो आपका इंतजार है वो कहीं ना कहीं आपको उसको एक कहें कि आपको मंजिल मिलेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।